hello and welcome to our youtube channel royal academy today we are going to discuss top mcqs regarding the geography of ut of jk and also the ut of ladakh

एक्सटेंट है किसका जम्मू एंड कश्मीर का दैट फ्रॉम थर्टी टू डिग्री सेवनटीन मिनट नॉर्थ से लेके क्योंकि नॉर्थर्नफेर में पड़ता है इसलिए नॉर्थ है और कहां तक है थर्टी सिक्स डिग्री फिफ्टी एट मिनट नॉर्थ क्योंकि नॉर्दर्न हेमिसफेयर में पड़ता है मगर अगर क्वेश्चन में हमसे लॉन्गील एक्सटेंट पूछते तो यहां पे हम पहले लॉन्गी देखेंगे लॉन्ग्यूडस क्या होता है आपको याद रखना पड़ेगा ये प्राइम मेरिडियन है दैट इज जीरो डिग्री उसके बाद हम यहाँ पे लॉन्गीच्यूडस डालते हैं यहाँ से भी लॉन्गीडस डालते हैं ये पार्लल नहीं होते ये आपको याद रखना पड़ेगा लैटीच्यूड और पार्लल पार्लल बट नॉट लॉन्गिट्यूड से आपको याद रखना पड़ेंगे अगर अब हमसे जम्मू एंड कश्मीर का लॉन्गी पूछते तो तो क्या ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी और यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ नहीं होता है क्योंकि हम ईस्टर्न स्फीयर में पड़ता है तो हमें ईस्ट आता है दैट इज़ लॉन्गीडनल एक्सटेंट इज़ सेवेंटी थ्री डिग्री ट्वेंटी सिक्स ईस्ट टू आपका याद रखना था एट्टी डिग्री थर्टी मिनट्स ईस्ट तो ऑप्शन डी किसकी आंसर थी जस्ट आपको नॉर्थ को ईस्ट बनाना था ये ऑप्शन लॉन्गील एक्सटेंट वाइल एज लैटिट्यूडनल जो है दैट इज़ ऑप्शन सी एंड ऑप्शन सी इज़ थर्टी टू डिग्री 17 मिनट से लेके 36 डिग्री 58 मिनट तक नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इज़ टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल एरिया किसका जम्मू एंड कश्मीर का हमसे टोटल एरिया पूछ रहा है तो आपको याद रखना पड़ेगा देखो अगर पूरे स्टेट का पूछ रहा है पूरे स्टेट का जो एरिया है दैट इज टू लैक ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सिक्स स्क्र किलोमीटर ये क्या है ये एरिया ऑफ किसका है एरिया ऑफ पूरे स्टेट का था अलॉन्ग विद एक्साइज चेन अलॉन्ग विद जो भी पाकिस्तान से पार्ट है कश्मीर का अलॉन्ग विद डेट अगर हम हम देखेंगे पहले जो स्टेट हुआ करती थी वो वो पार्ट छोड़ के जो चाइना से चाइना के साथ है और जो पाकिस्तान के साथ वो पार्ट छोड़ के वी हैव जस्ट वन लैक अलेवन थाउजेंड एंड सम किलोमीटर्स नाउ अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन होगा एरिया ऑफ़ यूटी ऑफ़ जे एंड के अगर एरिया ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के का पूछ रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी वन स्क्वेर किलोमीटर किसका एरिया है वो एरिया ऑफ किसका है यूटी ऑफ़ जे एंड के नाउ अगर क्वेश्चन पूछेंगे एरिया ऑफ़ यूटी ऑफ़ लद्दाख वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे फिर मैं भी आपको वहाँ पे कमेंट करूँगा रिगार्डिंग द एरिया ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख वो आप बताओगे यूटी ऑफ लद्दाख का एरिया कितना है ये आपको बताना पड़ेगा नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ एरिया वाइज जम्मू एंड कश्मीर इज़ इज ऑन विच प्लेस एमंग इंडियन स्टेट्स हमसे पूछ रहा है कि अगर इंडियन स्टेट्स को हम एक साथ रखेंगे और जम्मू कश्मीर को भी रखेंगे तो कौन से नंबर पर जम्मू कश्मीर क्या एरिया वाइज़ कौन से नंबर पे है सपोज राजस्थान पहले नंबर पे है सेकंड नंबर पे क्या है वो आपको बताना पड़ेगा एंड ऑप्शन बी वॉज राइट थर्ड नंबर पे क्या है स्टेट जम्मू कश्मीर की रैंक हुआ करती थी पहले नंबर पे राजस्थान है दूसरा आपको बताना पड़ेगा एंड थर्ड पे कौन सी थी थर्ड पे आपका जो जम्मू एंड सॉरी ये फिफ्थ पे थी आपको याद रखना पड़ेगा फिफ्थ फिफ्थ नंबर पे कौन से थे फिफ्थ नंबर पे एरिया वाइज फिफ्थ नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर थी नॉट थर्ड नॉट सिक्सथ नॉट सेकंड पहले नंबर पे कौन से है पहले नंबर पे आपका याद रखना पड़ेगा आपको राजस्थान है तो अगर अब आपसे पूछेंगे कि रैंक ऑफ जम्मू एंड के यूटी ऑफ जे एंड के एंड यूटी ऑफ लद्दाख की अगर रैंक पूछेंगे एरिया वाइज से वो आप मुझे बताओगे क्या है इसकी रैंक नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज़ पॉपुलेशन वाइज जम्मू एंड कश्मीर सिक्योर्स विच रैंक एमंग्स इंडियन स्टेट्स फ़िलहाल के लिए जो वैलिड सेंसस है दैट इज़ 2011 थाउजेंड अलेवन और न्यू सेंसस आनी थी टू थाउजेंड में बट ड्यू टू पेंडेमिक जो ये ड्यू टू कोरोना वायरस जो ये सेंसस है ये डिले हो चुकी है अभी हमारे पास सेंसस डाटा नहीं आया जो डाटा है वो डाटा 2011 का डाटा हमारे पास है और जो 2011 उस टाइम जो जम्मू कश्मीर थी वो क्या वो स्टेट थी इसलिए क्वेश्चन इज़ वैलिड क्वेश्चन इज पॉपुलेशन वाइज जम्मू एंड कश्मीर सिक्योर्स विच रैंक अमंग इंडियन सिटीज तो कौन से ऑप्शन इसके लिए ठीक है आपको याद रखना पड़ेगा इट इज नाइनटीन्थ तो नाइनटीन्थ रैंक है किसकी नाइनटीन रैंक है पॉपुलेशन वाइज जम्मू एंड कश्मीर की जो रैंक है वो नाइनटीन है इससे पहले एटीनथ क्या है स्टेट्स सम यूटीज में भी नाउ क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट शेयर्स इट सवदर्न बाउंड्री विद तो हमसे पूछ रहा है जो जम्मू एंड कश्मीर है सवदर्न पार्ट ये पार्ट सउदर्न पार्ट हुआ ये पार्ट नॉर्दर्न पार्ट हुआ तो सवदर्न पार्ट में कौन कौन सी स्टेट्स है वो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ से पंजाब है और यहाँ से हरियाणा है तो पंजाब और हरियाणा जो है विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन ए इज़ द राइट पंजाब एंड हरियाणा जो है वो सवदर्न क्या है बाउंड्री जो सवदर्न बाउंड्री जम्मू एंड कश्मीर की है वो टच करती है पंजाब और हरियाणा की और पंजाब एंड हरियाणा की दोनों जो कैपिटल हैं डर वो चंडीगढ़ है ये याद रखना चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड दैट इज सेम फॉर बूथ पंजाब एंड हरियाणा नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज जियोग्राफिकली जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेज ऑफ हाउ मैनी जोनज आपको याद भी आज भी याद रखना पड़े, पड़ेगा पड़ेगा सेम जोन्स है यू टी ऑफ जे एंड के दैट इज कितने जोनस हैं ऑप्शन ए थ्री जोनस ऑप्शन बी फोर जीनस ऑप्शन सी सेवन जोनस ऑप्शन एट इज ऑप्शन सी डी इज एट जोनस ये आपको याद रखना पड़ेंगे कितने जोनस जम्मू एंड कश्मीर को है दैट इज सेवन जोनस सेवन जियोग्राफिकली कितने जोनस हैं सात जोनस है ये आपको याद रखना पड़ेगा नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन इज द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लोकली नोन एज तो हमसे पूछ रहा है कि जो आउटर प्लेंस है किसके जम्मू एंड कश्मीर के जो आउटर प्लेंस है उनको क्या बोलते हैं ऑप्शन ए इज उनको अंदरवा बोलते हैं ऑप्शन बी उनको बाजवत बोलते हैं ऑप्शन सी उनको दूनस बोलते हैं ऑप्शन डी इज उनको हम अंदरवा बी और बाजवत बी बोलते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन डी इज द राइट कि जम्मू जो जम्मू एंड कश्मीर के आउटर प्लेंस है उन आउटर प्लेन्स को कहीं कहीं अंदरवा बोलते हैं और कहीं कहीं इनको बाजवत बोलते हैं तो विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन डी इज द राइट दैट इज बोथ एंड बी अंदरवा एंड बाजवत इज राइट फॉर किसके लिए आउटर प्लेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लोकली एंड बाजवत बोलते हैं नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर एट विच इज़ द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज है हाइट ऑफ तो हमसे पूछ रहा है कि जो फुट हिल्स है किसके हिमालयाज़ की इनकी हाइट क्या है आपको याद रखनी पड़ेगी इनकी हाइट क्या है ऑप्शन ए इज़ थ्री हंड्रेड मीटर टू फोर हंड्रेड मीटर ऑप्शन बी फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड ऑप्शन सी सिक्स हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड मीटर एंड ऑप्शन डी इज़ सिक्स हंड्रेड मीटर टू फिफ्टीन हंड्रेड मीटर विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन डी इज़ राइट दैट इज़ जो ये फुट हिल्स ऑफ हिमालज हैं इनकी हाइट कितनी है 600 मीटर से लेके 1500 मीटर इनकी हाइट है ये आपको याद रखना पड़ेगा नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नाइन एंड क्वेश्चन नंबर इज द लॉन्गिट्यूडनल जो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज है कहां पे लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज है एक सेकंड लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज़

अंडोलेटिंग स्लोपस बिटवीन रवि एंड चिनाब देखो जो अगर यहाँ से हम रवि रिवर रवि की बात करेंगे यहाँ से हम रिवर चनाब की बात करेंगे जो अंडोलेटिंग स्लोपस ऐसे कुछ स्लोपस हैं अंडोलोटिंग स्लोपस इन स्लोपस को क्या बो क्या बोलते हैं ऑप्शन ए इनको धूनस बोलते हैं ऑप्शन बी इनको कंडी बोलते हैं ऑप्शन सी इनको अंदरवा बोलते हैं ऑप्शन डी इनको बाजवत बोलते हैं तो आपको याद रखना पड़ेंगे इनको हम कंडी बोलते हैं स्लोपस को क्या बोलते हैं कंडी बोलते हैं दैट इज राइट ऑप्शन ऑप्शन बी इज राइट स्लोपस इज नोन एज ए कंडी तो यह आपको याद रखना पड़ेगा नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर अलेवन बाद में क्वेश्चन नंबर नाइनटीन को देखेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन को हम यहीं पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर इज शीशनाग माउंटेन इज हमसे पूछ रहा है जो शीशनाग माउंटेन है वो कहाँ पे आपको पड़ता है ऑप्शन ए लिदर वैली में ऑप्शन बी बेताब वैली में ऑप्शन सी कश्मीर वैली में ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबो तो आपको याद रखना पड़ेगा किस वैली में आपका ये जो शीशनाग माउंटेन ये एग्जैक्टली exactly लिदर वैली में पड़ता है तो ऑप्शन ए इज राइट शीशनाग माउंटेन इज इन विच वैली लिदर वैली ये आपको याद रखना पड़ेगा नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर अलेवन एंड दैट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ लेसर हिमालज इज़ देखो हमारे तीन रेंज है ग्रेटर हिमालय है लेसर हिमालय और शिवालिक्स है ये तीन पर्ल रेंज, रेंज है किसके हिमालियाज के अगर हे ग्रेटर हिमालय उसके बाद जो लेसर हिमालय है ये डिसकन्टिन्यूस रेंज है दैट मीनज इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस रेंज दैन इट इट ये है शिवालिक्स सो ये ग्रेटर हिमालय है ये मिडल हिालय या लेसर हिमालय ये है शिवालिक्स तो हमसे पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालय कौन है ऑप्शन ए इज इट अ दौला ऑप्शन बी इज इट अ शिवालिक ऑप्शन सी इज इट अ पीर पंचाल डी इज इट अ बुरजिल तो आपको याद रखना पड़ेगा शिवालिक तो आंसर नहीं है देन ऑप्शन शुड बी सी दैट्स अ पीर पंचाल जो पहला रेंज है किसका मिडिल हिमालिया का दैट्स अ लेसर हिमालयाज का वो सबसे बड़ा कौन सा है वो आपको याद रखना पड़ेगा पीर पंचाल पीर पंचाल जो है दिस इज अ लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालय दौला भी इसी का रेंज है वेल इज शिवालिक इज नॉट द रेंज ऑफ ऑफ किसका लेसर हिमालय वो खुद अलग रेंज है दैट्स अ शिवालिक रेंज नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज वैष्णो देवी केव इज सिचुएटेड इन विच जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो वैष्णो देवी केव है वो किस जम्मू कश्मीर के किस जोन में पड़ती है किस हिमालिया में पड़ती है किस वी कैन से द रेंज में पड़ती है ऑप्शन ए ग्रेटर हिमालियाज़ ऑप्शन बी लेसर हिमालियाज़ ऑप्शन सी अपर इंडस वैली ऑप्शन डी कौरा रेंज तो आपको याद रखना पड़ेगा इट्स नॉट इन कॉरा रेंज इट इस नॉट इन अपर इंडस वैली इट्स नॉट इन ग्रेटर हिमालय तो विष्णु देवी केव जो है वो किस में पड़ती है वो ऑप्शन बी में पड़ती है दो तो आपको याद रखना पड़ेगा दैट इज़ लेसर हिमालय में कौन सी पड़ती है विष्णु देवी केव

55,000 मीटर ऑप्शन सी 45,000 फाइव थाउजेंट टू सिक्स डबल ज़ीरो मीटर ऑप्शन डी 45,000 सॉरी 4500 फाइव हंड्रेड टू सिक्स सिक्स मीटर तो आपको याद रखना पड़ेगा विच ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन सी इज़ द राइट दैट इज़ 4500 फाइव डबल ज़ीरो टू सिक्स वन डबल ज़ीरो मीटर दिस इज़ द एवरेज हाइट ऑफ किसकी ग्रेटर हिमालयस की तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालयन की नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोटीन एंड क्वेश्चन नंबर फोटीन इज विच जून ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज बिटवीन द पीर पंजाल एंड द वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेटर हिमालयन रेंज तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जोन जो जम्मू कश्मीर का जोन है जो बिटवीन किस किस का है पीर पंजाल और जो वेस्टर्न एंड किन का है ग्रेट हिमालयन रेंज का इसके बीच में क्या पड़ता है ए इसमें अपर इंडस वैली पड़ती है बी इसमें कश्मीर वैली पड़ती है सी इसमें कारोकोरम रेंज पड़ता है पड़ता है डी इसमें लेसर हिमालयस पड़ते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा जो ऑप्शन डी दैट्स ज नॉट राइट और जो ऑप्शन सी दैट इज नॉट ऑल्सो द राइट एंड आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन ए इज़ नॉट राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल में क्या पड़ती है वैली ऑफ कश्मीर पड़ती है दैट इज ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालयन एंड पीर पंजाल ये आपको याद रखना पड़ेगा उ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एंड क्वेश्चन नंबर इज विच टाउन इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द इलेवल फैंस ऑफ अपर इंडस वैली जोन तो हमसे पूछ रहे हैं जो अपर इंडस वैली जोन है इंडस वैली आपके लह में पड़ती है जो अपर इंडस जोन है वहाँ पे क्या पड़ता है मैंने ऑप्शन बता ही दी ए पहलगाम बी कुलगाम सी लेह डी सांबा तो मैंने ऑप्शन ऑलरेडी बता दी दैट्स अ लेह जो लेह है ले कहाँ पर पड़ता है इंडस वैली जोन और जो इंडस है ना दैट इज़ नाउ ओनली इन यूटी ऑफ लद्दाख पहले जो हम बोलते थे जम्मू कश्मीर स्टेट में पड़ता है लेह तो सॉरी दिस um, इंडस अब आपको याद रखना पड़ेगा इंडस इज ओनली इन किस में यू ऑफ लेह में नॉट इन यूटी ऑफ जे एंड के नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज जो के टू है के टू को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते है यह सेकंड हाइस्ट पीक है वर्ल्ड का दैट लाइज इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो हमसे पूछ रहा है जो के टू गॉडविन ऑस्टिन है जो हाइस्ट सेकंड हाइस्ट पीक है पहले कौन है माउंट एवरेस्ट तो हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे पड़ता है ऑप्शन ए ये ग्रेटर हिमालज में पड़ता है बी ये अपर इंडस वैली में पड़ता है सी ये काराकोरम रेंज में पड़ता है डी लेसर हिमालज में पड़ता है तो आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए जो ग्रेटर हिमालय है दैट इज नॉट द आंसर जो अपर इंडस वैली है दैट इज़ नॉट द आंसर और जो लेसर हिमालज है दैट इज़ नॉट द आंसर विच इज आंसर काराकोरम रेंज में दैट इज़ काराकोरम रेंज में क्या पड़ता है के पड़ता है जिसका दूसरा नाम क्या है गॉडविन ऑस्टिन और सेकेंड लार्जेस्ट हाइस्ट पीक माना जाता है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एंड क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज के के बारे में ही है द हाइट ऑफ के टू इज कभी कभी होगा द हाइट ऑफ गॉडविन ऑस्टिन इज तो आपको याद रखना पड़ेगा इसकी हाइट क्या है दैट इज एट सिक्स डबल जीरो मीटर एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मीटर जो है दैट इज हाइट ऑफ किसकी के की ये आपको याद सॉरी दिस इज नॉट द हाइट दिस इज नॉट द हाइट इट शुड बी एट थाउजेंड

पुंच इज नॉट द आंसर आपको गेस करना है अमरनाथ केव जो है जो अमरनाथ केव है वो कहाँ पे प्रेजेंट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देन आई विल आल्सो टेल नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19 ऑलरेडी आई हैव कवर्ड नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज सुपरेट थ्रू द गुलमर्ग वैली तो हम सिर्फ गुलमर्ग इज आल्सो नोन एज अ मिड ऑफ नॉट नॉट गोल्ड इट इज़ मीडो ऑफ फ्लावर्स ये आपको याद रखना पड़ेगा गुलमर्ग इज नोन एज ए मीडो ऑफ फ्लावर्स तो हमसे पूछ रहा है कि गुलमर्ग वैली में कौन से माउंटेन रेंजेस पड़ते हैं ऑप्शन ए बुरजिल ऑप्शन बी पीर पंजाल ऑप्शन सी अफरवट ऑप्शन डी नंग नंगा पर्वत तो आपको याद रखना पड़ेगा अफरवट माउंटेन्स जहाँ पर आपको गंडोला मिलेगा जो अफरवट माउंटेन्ज है अफरवट माउंटेन्स कहाँ पर प्रेजेंट है ये गुलमर्ग में है गुलमर्ग इज़ नोन एज ए मीडो ऑफ फ्लावर्स आपको बताना पड़ेगा ऑप्शन में मीडो ऑफ गोल्ड किसको बोलते हैं मीडो ऑफ गोल्ड किसको बोलते हैं ऑप्शन इज सनमर्ग और पहलगाम और गुलमर्ग आप ये बताओगे मीडो ऑफ गोल्ड किसको बोलते हैं नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज विच माउंटेन डिवाइडस कश्मीर एंड लद्दाख रीजन अगर ये हम मानेंगे कश्मीर है और ये लद्दाख है तो हमसे पूछ रहा है कि कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड कौन सा माउंटेन रेंज करता है ऑप्शन ए बुरजिल माउंटेन ऑप्शन बी अफरवट माउंटेन ऑप्शन सी तो मैदान माउंटेन ऑप्शन डी काजीनाग माउंटेन तो आपको याद रखना पड़ेगा विच ऑप्शन इज़ राइट देखो इट्स नॉट बुरजिल इट्स नॉट अफरवट इट्स नॉट काजीनाग इज तो मैदान तो आपको याद रखना पड़ेगा कश्मीर को डिवाइड लद्दाख रीजन से कौन करता है तोश मैदान ये आपको याद रखना सॉरी इट्स नॉट इट्स नॉट तोश मैदान देखो फॉर ट्वेंटी वन इट्स अ बुरजिल बुरजल बुरजिल इज द आंसर दैट डिवाइडस देखो ब्रिजिल जो है वो डिवाइड करता है कश्मीर को फ्रॉम द लद्दाख आपको याद रखना पड़ेगा जो बीच में ब्रज़िल है ब्रज़िल क्या करता है बुरजेल डिवाइड करता है कश्मीर को कहाँ से लद्दाख को वी कैन से इट्स सपरेट्स कश्मीर फ्राम लद्दाख या हम ऐसे भी कह सकते हैं इट्स लद्दाख फ्राम कश्मीर कौन सा ब्रुर्जल ये आपको याद रखना पड़ेगा नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सफर एट इज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम रशियन तुर्किस्तान एंड तिब्बत तो हमसे पूछ रहा है पूरे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का पूछ रहा है कि क्यों कौन सा माउंटेन इनको क्या करता है इनको सेपरेट करता है कहाँ से जो तिब्बत एरिया से या रशियन तुर्किस्तान जो है उस वो जो एरिया है कौन सा माउंटेन रेंज इनको सेपरेट करता है ऑप्शन ए जास्कर ऑप्शन बी नूनकुन ऑप्शन सीज काराकोरम एंड क्विन लून ऑप्शन डी तोश मैदान तो आपको याद रखना पड़ेगा विच ऑप्शन इज राइट इट इज़ नॉट तोश मैदान अगेन इट्स नॉटकर इट इज नॉट नून कन इट इज ऑप्शन सी दैट इज अ कारा कोरम एंड क्विन लून जो है ये सपरेट करता है किसको जम्मू जे के एंड लद्दाख को किस से सपरेट करता है तिब्बत से सपरेट करता है ये आपको याद रखना पड़ेगा नाउ कमेंटो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इज न्यूबरा खारदुंग एंड चांगला ला मीन्स पास पास लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज तो हमसे पूछ रहा है किस माउंटेन रेंज पे आपका न्यूब्रा, खारदुंगला और चांगला प्रेजेंट है ऑप्शन ए ये नुनकुन पे प्रेजेंट है ऑप्शन बी ये काराकोरम पे प्रेजेंट है ऑप्शन सी ये बुरजिल पे प्रेजेंट है ऑप्शन डी ये अमरनाथ पे प्रेजेंट है तो आपको याद रखना पड़ेगा अमरनाथ इज़ नॉट द आंसर आपको याद रखना पड़ेगा बुरजिल इज़ नॉट द आंसर ऑप्शन ए नुनकुन इज़ नॉट द आंसर विच आंसर इज़ द राइट काराकोरम तो आपको याद रखना पड़ेगा जो काराकोरम रेंज है काराकोरम रेंज पे क्या क्या मिलेगा आपको आपको न्यूबरा पास भी मिलेगा उस पर आपको खारदुंगला पास भी मिलेगा आपको चांगला पास भी मिलेगा किस पे काराकोरम रेंज पे नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इज इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन विच माउंटेन रेंज इज ऑल्सो नोन एज दाइमीर तो हमसे पूछ रहा है कि दाइमीर किस रेंज को बोलते हैं ऑप्शन ए नंगा पर्वत को ऑप्शन बी को ऑप्शन सी शिवालिक को ऑप्शन डी अफरवट को तो आपको याद रखना पड़ेगा अफरवट इज़ नॉट द आंसर जांसकर इज़ नॉट द आंसर शिवालिक इज़ नॉट द आंसर तो आपको याद रखना पड़ेगा जो नंगा पर्वत है नंगा पर्वत का दूसरा नाम जो है दैट इज़ द दाइमिर ये आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन ए इज़ द राइट नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एंड विच इज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख बॉर्डर तो हमसे पूछ रहा है जो यूटी ऑफ जे एंड के अगर हम ये यू टी ऑफ़ जे के मानेंगे और ये जो है ये यू ऑफ लद्दाख है तो हमसे पूछ रहा है कि बॉर्डर जो है इन दो यूटीज़ के बीच में वहां पे क्या पड़ता है ऑप्शन ए चांगला पास ऑप्शन बी बुरजिल ऑप्शन सी नुनकुन एंड ऑप्शन डी इज़ नान ऑफ द एबो तो आपको याद रखना पड़ेगा चांगला पास अभी हमने देखा काराकोरम पे है, है और हमने देखा बुरजिल को सफरेट करता है ये भी आंसर नहीं है तो याद रखना पड़ेगा नुनकुन नुनकुन जो है दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द कश्मीर एंड द बॉर्डर, कश्मीर और लद्दाख बॉर्डर के बीचों बीच क्या है? ये नुन कुन है, ये ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेम द माउंटेन रेंज विच लाइज इन दिच लाइज इन द लेसर हिमालिया एंड सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम द आउटर हिमालियाज नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स इज़ नेम द माउंटेन रेंज विच लाइज इन द लेसर हिमालज हमसे पूछ रहा है कि उस माउंटेन रेंज का नाम बताएं जो लेसर हिमालियाज में है और वो लेसर हिमालज में वो सेपरेट क्या करता है कश्मीर वैली को वो सेपरेट करता है आउटर हिमालज से इसको शिवालिक से सिंपली कश्मीर वैली को वो सेपरेट करता है किसे शिवालिक से आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन ए इज़ पीर पंचाल ऑप्शन बी इज़ नूनकुन ऑप्शन सी इज़ जानसकर एंड ऑप्शन डी इज़ नॉन ऑफ द एबो आपको दूर से ऑप्शन दिख रही है दैट सर पीर पंचाल जासकर इज नॉट द आंसर आंसर ऑप्शन इज पीर पंचाल विच सफरेट कश्मीर वैली फ्रॉम द आउटर हिमालयस। ये आपको याद रखना पड़ेगा नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नंबर ट्वेंटी बारामूला पास लाइज इन विच माउंटेन रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो बारामूला पास है हमसे पूछ रहा है ये किस माउंटेन पे प्रेजेंट है ये किस माउंटेन पे पड़ता है ना ऑप्शन इज पीर पंचाल ऑप्शन सी शिवालिक ऑप्शन सी इज़ अफरवट ऑप्शन डी इज़ कारा कोरम विच ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन डी इज़ नॉट द राइट ऑप्शन सी इज़ नॉट द राइट ऑप्शन बी इज़ नॉट द राइट सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन के लिए पीर पंजाल तो पीर पंजाल में कौन सा पास पड़ता है बारामूला पास पड़ता है ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच माउंटेन इज ऑल्सो नोन एज मंक पर्बत तो हमसे पूछ रहा है कि किस माउंटेन को मंक पर्बत बोलते हैं ऑप्शन ए पीर पंजाल को ऑप्शन बी नंगा पर्बत को ऑप्शन सी शिवालिक को ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो तो आपको याद रखना पड़ेगा पीर पंजाल इज नॉट द आंसर नंगा पर्वत इज़ नॉट द आंसर नन ऑफ दिस नॉट द आंसर तो शिवालिक का जो दूसरा नाम है दैट इस मंक पर्वत। तो आपको याद रखना पड़ेगा इस शिवालिक का दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम है मंक पर्वत। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एंड क्वेश्चन नंबर twenty nine इज which ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन lie इन द इनर Himalayas एंड दे रिमेन clad विद स्नो throughout the द ईयर हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा माउंटेन है जो कि कहाँ पे पड़ता है इनर Himalayas में पड़ता है और इसको साल भर जो है क्या रहता है इस पे जो स्नो रहता है एंड दैट इज क्या क्लॉड स्नो means आपका कौन सा स्नो होता है कि फ्रीज स्नो होता है ऑप्शन ए uh, तो मैदान ऑप्शन बी अफरवट ऑप्शन सी बुरजिल ऑप्शन डी पीर पंजाल तो आपको याद रखना पड़ेगा विच आंसर इज राइट इट्स नॉट अट इट इज नॉट पीर पंजाल एंड इट इज नॉट बुरजिल एंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन ए इज राइट आपको याद रखना पड़ेगा जो तोश मैदान है नंबर अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी की एंड क्वेश्चन नंबर थर्टी इज इन समर सीजन द स्नो वाटर ऑफ तोश मैदान प्रोवाइडस वाटर टू विच रिवर जो अभी हमने पढ़ा है जो तो मैदान जो है ये क्या होता है स्नो क्लैड होता है थ्रू आउट द ईयर तो जो फिर जब सूरज आती है तो जो जब बर्फ़ मेल्ट करती है तो हमसे पूछ रहा है कि इसका वाटर किस रिवर में चला जाता है ऑप्शन ए चनाब रिवर ऑप्शन बी बियास रिवर ऑप्शन सी रवि रिवर एंड ऑप्शन डी जहलिम रिवर तो आपको याद रखना पड़ेगा विच इज़ आंसर चनाब इज़ नॉट द आंसर ब्यास इज़ नॉट द आंसर रवि इज़ नॉट द आंसर तो आपको याद रखना पड़ेगा जो जहलिम रिवर है उसका जो पानी कहाँ से ऐड होता है देखो जहलिम का जो सोर्स है ना ये सोरस नहीं बता रहा है सोरस जो जहलिम का है, है है। तो पता है। मगर जो ना, इट प्रोवाइड इट सप्लाई आपको याद रखना पड़ेगा ये आपको याद रखना पड़ेगा नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इज च आर द फॉलोइंग वॉलैनिक पीक इज और इन अ डॉर्मेंट स्टेट तो हमसे पूछ रहा है कि इन दो जो वॉलैनिक पीक है क्या इनमें से कौन सा डॉमेंट है डॉर्मेट मीनस दैट इज नॉट इराफ्टिंग जो इराफ्ट नहीं हो रहा है ऑप्शन ए स्वयं जी ऑप्शन बी खरेवा पीक ऑप्शन सी बोथहेंड भी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो तो आपको याद रखना पड़ेगा विच आंसर इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन दैट इज सी दैट मीन बोथ जो आपका स्वयं जी एंड खरे व पीक जो है ये दोनों क्या है ये दोनों पीक, पीक जो है ये वॉल्केनिक पीक्स है मगर कौन से वॉल्केनिक पीक्स है ये डोरमेंट वॉल्केनिक पीक्स है दे आर नॉट एक्टिव पीक्स ये आपको याद रखना पड़ेगा

ऑप्शन ए जास्कर ऑप्शन बी नंगा पर्वत ऑप्शन सी शिवालिक ऑप्शन डी पीर पंचाल तो आपको याद रखना पड़ेगा पीर पंचाल इज नॉट द आंसर नंगा पर्वत इज़ नॉट द आंसर शिवालिक इज नॉट द आंसर व्हाट इज़ आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू दैट इज एंस का रेंज है जास्कर रेंज सपरेट करता है इंडस वैली को कहाँ से कश्मीर वैली से नाउ लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विद दिस वी विल कंक्लूड क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री दट इज़्ज़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इसका आंसर आप मुझे खुद बताओगे दैट इज़ पोर्ट पास इज़ अ फेमस पास इन विच रेंज हमसे पूछ रहा है जो पोर्ट पास है ये फेमस पास माना जाता है किसका ये माना जाता है यूटी ऑफ लद्दाख का तो आपको बताना है विच आंसर इज़ राइट आंसर ऑप्शन ए नूनकुन रेंज ऑप्शन बी अफरवट रेंज ऑप्शन सी जास्कर रेंज ऑप्शन डी शिवालिक रेंज तो आपको याद आया आया होगा ऑप्शन बी विल नॉट बी द आंसर ऑप्शन डी इज़ नॉट द आंसर तो आपको सिलेक्ट करना है इज़ इट ए अनकुन रेंज और जास्कर रेंज जहाँ क्या पड़ता है पोर्ट पास पड़ता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे विद दिस वी हैव कंक्लूडेड दिस सेशन होप यू विल लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू बाय